के बीच में आ जाने की गलती मत कर देना। जी आप दौड़ करके आ रहे हैं, न जाने भाजपा के प्रवक्ता हैं या फिर राजनीतिक विश्लेषण है, पहले चुप रहिए, जनता का सम्मान करना सीखिए। जनता सदैव पटकनी दी है और ये रिकॉर्ड रहा है, जनता से अगर टकराएंगे, जनता के मुद्दों से भागेंगे। बेरोजगारी कहाँ है हमारे रोजगार, मैं इलाहाबाद का छात्र हूँ, आज दिल्ली में आया हूँ। छात्र हैं आप? नहीं, छात्र था अभी, अब है, मैं छात्र था, बेरोजगार था, अभी बेरोजगार नहीं हूँ। अच्छा, पहले बेरोजगार थे, अब नहीं है? आज मैं आंकड़ा दे सकता हूँ, आप बताइए। समाप्त होना, देखिए एक मिनट बात सुनिए, नहीं इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट, गलत बिल्कुल नहीं बोला। और इन्होंने कहा कि अगर सामाजिक कुरीति है, जाति है, विभेद है, भेद है, उसको दूर करना चाहिए, बिल्कुल दूर करना चाहिए, और हम आपके साथ इस मुद्दे पे खड़े। जाति तोड़ोगे तभी संबंध जोड़ोगे, समाज जुड़ेगा, छुआछूत हटा, हट जाएगा, बिल्कुल खत्म। और मैं आपसे एक बात बताऊं, ऊपर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, और एक इधर मेरे बगल में आ जाइए। सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक हमारी ये जो जाति व्यवस्था है, इसने बहुत बहुत घातक काम किए हैं, इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक चीजें बनेंगी नहीं, बिगड़ेंगी। बनाना है हमको, बिगाड़ना नहीं है, मांगना ना। लोगों ने धर्म बदल लिए, श्रीवास्तव जी धर्म बदल लिया, लेकिन जाति नहीं छोड़ पाए, और इसी आधार पर रिजर्वेशन मांगते हैं, है ना ये बात? तो ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। और ये जब तक जातियों का भेद रहेगा तब तक हम अरे जातीय जनगणना क्या कराइए, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना करा करके जातियों को जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आपने 90 के दशक में मंडल कर्म को रोकने के लिए कमंडल लाया, कमंडल को जोड़ने के लिए, और देश टूट गया, और सबसे ज्यादा नुकसान आपकी पार्टी को होगा। ऐसा सुनिए, एक बात बताइए, जो वंचित है, जो शोषित है, क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए? यहाँ पे सामाजिक कुरीतियों की बात आ रही है, सामाजिक कुरीतियों की बात है, तो आप यहाँ पे जो वर्ण भेद है उसकी बात हो रही है, लेकिन जब भी मुस्लिम समाज की कुरीतियों की बात आती है तो कहते हैं कि इस देश में संविधान खतरे में आ गया, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आप एक धर्म की कुरीतियों की बात करते हैं, आपकी पार्टी की नीतियों में, आपकी पार्टी के एजेंडा पर मुसलमान महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है सामाजिक कुरीतियों के नाम पर, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? तब तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल देते हो, सड़कों पे उतर आते हो, तब कहाँ चला जाता है आपका समाज सुधार? संविधान से अलग है? नहीं, संविधान से अलग नहीं, आप बोलिए। देखिए एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, आज आप दर्शक बन के आइए। जी एक मिनट जी, बार बार ये इनको मंडल से बहुत तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है, ये भाई साहब कहीं नौकरी कर रहे होंगे, मंडल की वजह से है बार बार इनको। जब देश आजाद हुआ दलितों का, नहीं तो भाषण कहा देने लगते, सुनिए ना सर। अच्छा चलिए, जब देश आजाद हुआ कितना दलित के पास जमीन है, कई बीघा जमीन है दलित के पास, पूरे गांव के अगर 5% लोगों के पास 95% जमीन है, बाकी 95% लोग भूमिहीन है। सवाल जो रेज किया था, सवाल आपने जो पूछा था, क्या पूछा? मैंने सवाल ये पूछा था, सवाल जो पूछा था उधर, तू इधर उधर की मत देख, सवाल मुद्दे पे आ। देखिए यहाँ पर भाई साहब ने कहा कि वो प्रियंका खड़गे ने बात की समाज सुधार की, उन्होंने सनातन पे कोई प्रहार नहीं किया, आपकी बात मान लेते, समाज सुधार की बात हो रही है तो इस देश में हर समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उस पे बात क्यों नहीं होती? जब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून बनाते हैं, उसमें बहस होती है संसद में, तो संसद छोड़ के भाग जाते हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो आप मुझे कहते हैं बीजेपी आरएसएस की दलाल है, महिलाएं खरीदी हुई है, दलाल है, आप उनको दलाल बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं। किसने इनको दलाल कहा? ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए कबीर की क्रांति धर्मिता विद्रोह है, लेकिन निकोनी है समाज की, अगर गलत है तो उसका विचार होना चाहिए। लेकिन सनातनी संस्कृति की अगर आप बात करो, उसमें कोई छुआछूत भेदभाव ही नहीं। सबसे बड़ा ग्रंथ वाल्मीकि जी ने लिखा, रामायण लिखा, वाल्मीकि किस समाज से आते हैं? वाल्मीकि समाज कहाँ खड़ा है? अरे मुराफत और बकारी के महाज पे खड़े फाजिल, अरे फाजिल मुराफत और बकारी के महाज पे खड़े हो तुम। आप पैर से पैदा हुए कि मुंह से पैदा हुए, बताइए की बात करते।
मंडल का डिसीजन बताए, मंडल क्या कह रहे हैं? मंडल डिसीजन पूछ लीजिए, मंडल का ये कर गए, मंडल के कारण ये जो है मंडल कौन सा? अरे आप सारे इम्तिहान आज ही ले लेंगे उनके क्या? अरे नहीं, आराम से कूल डाउन आराम से वो सारे इम्तिहान ना लीजिए। प्रतीक जी, सनातन धर्म के बारे में जितनी बातें हो रही हैं, सबसे पहले तो सभी लोग जान लें कि सनातन धर्म है क्या। नहीं, सब जानते हैं, संसार में केवल एक ही धर्म है। सब जानते हैं, बाकी सब यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में दो चीजें सब जानते हैं, एक तो क्रिकेट खेलना और दूसरा मुफ्त में सलाह देना और तीसरा ये सनातन के बारे में सब जान रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा कि आए थे एक देश से, उतरे एक ही घाट और हवा लगी संसार की, हो गए बारह बाट। जब आदमी पैदा होता है तो सनातन में पैदा होता है, फिर अपना अपना धर्म बनाता है। सनातन धर्म ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, बाकी व्यक्ति विशेष के बनाए हुए पंथ है। अरे तो धर्म सनातन, अरे तो फजील कह तो दिया बाली की संतान है, सनातन पैदा हुए थे तो दिया बाली की संतान है। बोले जी, देखिए हजारों सालों से हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं आया, तो सनातन में बोले भारतीय जनता पार्टी के 9 साल आने के बाद धर्म खतरे में आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में देश में 155 लाख करोड़ कर्ज बढ़ा दिया। देखिए उस कर्ज से क्या किया इन लोगों ने, पूंजीपति मित्रों के 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। कंस ने पहली बार, कंस मामा ने पहली बार दूध दही जैसी चीजों पर टैक्स लगाया था, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दूध दही जैसी चीजों पर टैक्स लगाया है, किताबों में शिक्षा पे टैक्स लगाया है, इससे जरा शर्मनाक हो नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आप मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाइए। जो आपने वादे किए थे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सिलेंडर 400 करेंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे, डॉलर 1 रुपए करेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, उन सारे वादों का क्या हुआ? महिला सुरक्षा का क्या हुआ? देखिए आज बात इस बात की कर रहे हैं, 10वीं अर्थव्यवस्था ने रुको भाई, 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। इस देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इस देश का तेजी से बढ़ता हुआ रुतबा, अभी G20 की सफलता, जब जारे दल को लग रहा है कि देश में, दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर का कोई नेतृत्व तो नहीं है, तो सनातन संस्कृति पे हमला कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति पे हमला कर, प्लीज अपने पवन दूसरी बात जो सनातनी संस्कृति के हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी रामायण, वाल्मीकि समाज के आप क्या पोजीशन में है तो आप बताइए। दूसरा, वेद व्यास ने लिखा ग्रंथ, सारे वेदों को बांटा, वेद व्यास मल्लाह के पुत्र थे, तो आज किस समाज में है, समाज किस पोजीशन में है भाई? ये आने वाले काल की कुरीतियों को कबीर ने जो हमला किया है, मीरा के, मीरा राज घराने की महारानी थी, उनके गुरु कौन हुए? रैदास किस समाज से आते हैं? जूता सीने वाले, उनको क्या कहते हैं? यह है सनातन का सम्मान। और दूसरी बात, जो आने वाले कालांतर में कुरुतियां आई, कबीर की क्रांति धर्मिता उन कुरुतियों पर प्रभाव है, प्रहार है, और इसके लिए राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा कि सिर पे कुल का छत्र लिए भीतर काले के काले, और जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले। सनातन के बारे में सब बहुत बढ़िया बढ़िया जानते हैं और सभी ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, और मैं तो कह रहा हूँ सारे के सारे जितने लोग खड़े हैं सबके सब सारे शंकराचार्य हैं, गजब है, सब जानते हैं। हाँ हाँ सब जानते हैं, लेकिन एक चीज और है गुरु जी, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जो नूतन है, जो नवीन है, वो भी सनातन का हिस्सा है। हम नए विचार भी लेते हैं, इसलिए हम जीवंत हैं। आप अगर एक जगह बंध जाएंगे, मतलब कोई सनातन कोई एक किताब से बंधी हुई चीज नहीं है, अगर आप एक किताब से बंध जाएंगे तो वो चीज अलग हो जाएगी, लेकिन सनातन का मतलब है प्रवाह।